ईओडब्ल्यू जबलपुर एसपी देवेंद्र प्रताप सिंह राजपूत को ब्रेन अटैक आने के बाद जबलपुर अस्पताल के एआईसीयू वार्ड में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। एसपी ईओडब्ल्यू देवेंद्र प्रताप राजपूत की हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें उपचार के लिए एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया है। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो जबलपुर के एसपी देवेंद्र प्रताप सिंह राजपूत को रविवार को अचानक ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद जबलपुर अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया। बताया जाता है कि उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। एसपी ईओडब्ल्यू देवेंद्र प्रताप सिंह राजपूत के स्वास्थ्य और उपचार की जानकारी हासिल करने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, एडीजी उमेश जोंगा, कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा, एसपी लोकायुक्त संजय साहू सहित तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जबलपुर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य और उपचार की जानकारी हासिल की। यह जो परिस्थिति बनी है उसमें भी एयरलिफ्ट करने का तय हुआ है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि सब ठीक हो। अब उसके बाद पहले तो इस परिस्थिति से ठीक होना जरूरी है। और जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि रिकवरी है, उनको लिफ्ट किए करके ले जाया जा सकता है। विजन तक पहुँचने का कोशिश है। हम तो सब मानवता से ही प्रार्थना करेंगे कि वो भी आगे व्यक्ति हैं और हमारा तो पारिवारिक विश्वास करते हैं कि प्रभु कृपा करें। एसपी ईओडब्ल्यू देवेंद्र प्रताप सिंह राजपूत को उपचार के लिए एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया है।